हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर में शिफ्ट रजिस्टर के कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। हमने पहले जो उसके पहले लेक्चर्स थे उसमें शिफ्ट रजिस्टर की डेफिनेशन, टाइप्स और ये सब जानना, एप्लीकेशन जानना। आज हम डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट रजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी वर्किंग कैसी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर के चार टाइप्स हैं: सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीसो, सीपो, पीसो एंड पीपो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तीसरा और चौथा मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्या है, सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि चार बिट का ये शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें चार फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हमने डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। ठीक है, सपोज कि हमारे पास जो इनपुट है वो है 1010। ठीक है, अब ये 1010 चार बिट का है शिफ्ट रजिस्टर में कैसे काम करता है, सीरियल इन सीरियल आउट अगर शिफ्ट रजिस्टर है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली हमारा जो फ्लिप फ्लॉप हो गए, सारे फ्लिप फ्लॉप में जीरो स्टोर होगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, यहां से पहली क्लॉक पल्स आई, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका पहला बिट जो है वो है जीरो, तो ये जीरो जो होगा वो यहाँ आ जाएगा, ये जो जीरो है वो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, और ये जीरो जो आ रहा होगा वो हमें यहाँ पर बाहर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकेंड पल्स जब आएगी तब क्या होगा, सेकेंड पल्स में अब हमारा ये वन जो है वो आएगा आगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वन यहाँ पर आता है, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जीरो जो जाता वो यहाँ आ जाएगा, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा वन आ जाएगा और ये जो जीरो था वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ और ये बाहर। ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स में अब ये वाला जीरो एंटर करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जीरो यहाँ पर आ गया, ये वन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, ये जीरो यहाँ, ये जीरो यहाँ और ये बाहर। ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स में अब ये एंटर करेगा। ठीक है, ये एंटर करेगा तो ये वन यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वन यहाँ, ये जीरो यहाँ और ये बाहर। तो हमारा क्या होगा, चार क्लॉक पल्स में ये इनपुट जो था वो शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब यहाँ पर सीरियली डेटा जा रहा था, पहले जीरो आया, फिर वन आया, फिर सीरियल इनपुट और फिर यहाँ पर सीरियल आउट, पहले ये जीरो बाहर आएगा। ठीक है, पहले ये जीरो गया, फिर ये जीरो गया, फिर ये जीरो गया, ये जीरो सीरियली आउटपुट हो रहा था। ठीक है, सीरियल पैरेलल आउट में इनपुट सीरियली होगा और आउटपुट पैरेलल होगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो कनेक्शन है इसमें और उसमें, यहाँ से हमने एक आउटपुट ले लिया पैरेलल, यहाँ पर हमारे पास चार आउटपुट हो गए पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोज इनपुट ये है, अब फर्स्ट क्लॉक पल्स आई, यहाँ पर ये जो जीरो था वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ का जो आउटपुट था यहाँ वाला वो इसमें जाएगा तो ये हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला इसमें जाएगा तो ये यहाँ मिलेगा। इसी तरह से क्योंकि ये इनपुट जीरो है तो चारों यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकेंड क्लॉक पल्स आएगी तो हमारे पास ये इनपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन यहाँ आएगा तो हमें ये क्यू नॉट यहाँ पर वन मिल जाएगा, फिर यहाँ पर जीरो था वो यहाँ जाएगा तो ये जीरो यहाँ मिलेगा, ये जीरो यहाँ जाएगा, इसी तरह से ये तीनों जीरो मिल गए। ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स आएगी तो हमारे पास ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो यहाँ आएगा और ये वन जो था वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो जीरो आया था वो यहाँ से मिलेगा, ये वाला वन यहाँ गया तो वो यहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये जीरो, ये हमारा जीरो आ गया और ये वन शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बस यहाँ पर हो रहा है डेटा शिफ्ट हो रहा है सीरियली, आउटपुट मिल रहा है हमें पैरेलली। ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स में अब हमारे पास ये इनपुट आ जाएगा वन, वन यहाँ आएगा, यहाँ पर जीरो था वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ पर वन था वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन मिल गया हमें पहले फ्लिप फ्लॉप से, क्यू नॉट, फिर क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर
डेटा हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है और इसमें सीरियल आ रहा था, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों का ऑपरेशन समझ में आ गया। सिमिलरली जो हमारे अदर दो है, पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट की भी वर्किंग है, ठीक है। इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और जो ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।